अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासर जावेद। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज हम रियाद से बाहर तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर बाहर एक कैमल फार्म देखने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें। उससे ये होगा कि जैसे हम नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वो वीडियो देख सकेंगे। बहुत शुक्रिया। शहर से बाहर आ गए, हर तरफ रेगिस्तानी रेगिस्तान और पहाड़ी सिलसिला। रियाज के करीब जितना भी एरिया है वो तकरीबन पहाड़ों पे ही है। ये कुछ घास वाले खड़े हैं, कुछ आगे ये फार्म्स हैं, तो वहाँ पे कैमल ऊंट होते हैं, तो यहाँ से लोग ख़रीद कर उनके लिए लेकर जाते हैं। रोड के किनारे पे कुछ खड़े हैं बर्तन बेचने वाले, जो कि सऊदी अरब के ट्रेडिशनल बर्तन हैं वो हैं। चलें चेक करते हैं, प्राइस भी पूछते हैं इनसे क्या। और काफ़ी किलो हैवी है, आई थिंक 4 से 5 किलो ये होगी और मुश्किल होगी, मेरा ख्याल 15 से 20 किलो होगी। कम वजन आधा किलो, कम कदीम आधा कम किलो अली फिलहाल। और एक ये तकरीबन 1000 रियाल का, और ये तो बोल रहे हैं गदीम है और वाकई लग भी रहा है बहुत हैवी वेटेड है। ये देखें और कलर से भी ऐसे ही लग रहा है पुराना, ये अभी नए लग रहे हैं लेकिन इसका वजन कम है। हाँ जदीद ना, वो 200 रियाल। ये बड़ी सी गाड़ी है जिस पर ये सामान बेच रहे हैं, जिस पर ऊपर क्लीन है और इस तरह की और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और ये कुछ सऊदी जैकेट्स हैं वास्कोट, ये अभी वास्कट चेक कर रहे हैं, देखते हैं कितने की कैसी लगती है। सर्दी भी आज अच्छी खासी है और मज़ा आ रहा है, अच्छी है। आगे जिप लगी हुई है, कम आदि और 50 रियाल की है। आज रियाज का मौसम बड़ा फंटास्टिक है, बादल हुए हुए हैं और उम्मीद है बारिश भी होगी। रोड के किनारे भी आए हैं, यहाँ पे कुछ स्टॉल लगा हुआ है चाय का, और उसके बाद ये कुछ कॉर्न्स हैं और बेर, सऊदी अरब के बेर बहुत फेमस हैं। इसे समाधि अबरी, इसको अबरी बोलते हैं। सऊदी अरब के जो बेर हैं इसको अबरी बोलते हैं और ये बड़ा ही टेस्टी मीठे होते हैं। अब टेस्ट भी करते हैं, हमें तो खैर उन्होंने अभी फ्री दिया वैसे। सेब से ज़्यादा मीठा है, बड़ा ज़बरदस्त। उसके साथ साथ है ये शाही वगैरह, इसके अंदर चाय है शाही। समर, हाँ समर, कोई और يصورك هذه اصورها لاخو اخو هذه هذا شاي شاي ها جمر شاي جمر شوف 100 100 ايوه 100 100 شاي جمر ايوه انا ايش هذه ثاني شاي شاي كله شاي هذا شويه بس أيوة. هذا مليان هذا حن مليان هذا هذا شاي 100 100 ها صور جمر 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 ها ايه आग पे तैयार हो रही है और काफी सुकून आ रहा है। और रोड के किनारे पे दूसरी तरफ जो वैन खड़ी है इस पे खजूरें हैं।
दे। How are you? Fine, thank you. ये रास्ते से आया देख के बड़े खुश हो रहे। और आज काफ़ी देर के बाद रियाज से बाहर निकला हूँ तो बड़ा सुकून आ रहा है। हर तरफ खामोशी है, ठंडी हवा चल रही है और शांति ही शांति है हर तरफ। बहुत पुरसकून माहौल है। रास्ते में हम खड़े हो गए हैं दरख्त देखने के लिए। हमें ऐसे लग रहा था यह ना पाकिस्तान में कीकर के दरख्त होते हैं, तो करीब जा कर देखते हैं कौन से हैं। करीब तो काफ़ी आ गए हैं, मज़ीद करीब जा कर देखते हैं। करीब आ गए, नीचे आ गए हैं बिल्कुल। तो मैं देख रहा हूँ ये वाकई कीकर के ही दरख्त है, क्योंकि इसके ऊपर ही कांटे लगे हुए हैं और बिल्कुल वही दरख्त है। और शायद रेत ऊपर इतनी ज़्यादा थी तो उसकी वजह से कुछ लग रहा था शायद कीकर नहीं है, लेकिन बिल्कुल वही है, कांटे हैं बड़े बड़े इसके। पहले बताया था रास्ते में वो जहाँ से घास मिल रही थी कि रियाज से जैसे बाहर निकलें तो इस तरह के मज़रे बने हुए हैं, फार्म बने हुए हैं जहाँ पे कैमल है और गोट्स हैं यानी बकरियां हैं, उनके लिए जो चारा लेते हैं वहाँ से लेकर आते हैं और यहाँ पे उनको डालते हैं। ये ऊँटों के बच्चे हैं, यानी कि ऊँटनियों के बच्चे हैं और काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने साथ में मुर्गियां भी रखी हुई हैं। बाकी आप देखते हैं दूर दूर तक बस इस एक फार्म के अलावा कुछ भी नहीं, रेगिस्तान है और साथ में सिर्फ रेत ही रेत है और पहाड़ है रेत के बने हुए। ये सबसे बड़ा यहाँ पे कैमल है। और इसके साथ ये दूसरा वाइट कैमल और यहाँ साथ में उन्होंने बकरियां भी रखी हुई हैं। अच्छा यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो ये साहब है, इनका तालक यमन से है और उनके लिए ये जो कैंप बनाया गया रहने के लिए। मोबाइल चार्जिंग के लिए और बिजली के लिए, लाइट के लिए उन्होंने ये प्लेटें लगाई हुई हैं सोलर सिस्टम की। चले अंदर से देखते हैं ये खेमा कैसा है। खेमे के अंदर हम आ गए, ये इनका बेड पड़ा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने अपने कपड़े रखे हुए हैं और यहाँ पे ये जो मज़ेदार चीज देसी अंडे पड़े हुए हैं। और ये खेमे के ऊपर वाली जगह लोहे के राड है, उसके साथ ऊपर ये लगा बनाया गया है खेमा। नीचे क्लीन है, क्लीन के साथ साथ ये गद्दियाँ पड़ी हैं बैठने के लिए, पीछे टेक लगाने के लिए। और ये वो सोलर सिस्टम के साथ आगे इन्होंने कनेक्टर लगाया हुआ है और साथ में मोबाइल चार्जिंग के लिए। माशाल्लाह कोई ओके हबीबी, ओके शुक्रन हबीबी, शुक्रन ओके माशाल्लाह।